जोड़ जाओ ठीक से। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्लॉग। Yes. हम लोग जा रहे हैं इंडिया और समीर को इंडिया जाने का मन नहीं है। क्यों नहीं है? आप इंडिया क्यों नहीं जाना चाह रहे? पहले इनसे पूछ ले एक चीज पूछ ले इनसे, आप इंडिया क्यों नहीं जाना चाह रहे हो? इंडिया में घोस्ट रहता है। समीर बहुत प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग है। इसको जब पापा चले गए थे यहाँ से तो ये थोड़ा सा डर गया था कि इंडिया जो जाता है वहीं रह जाता है, फिर आता नहीं है। तो कल पूछ रहा था कि पापा क्यों नहीं आते हैं, मतलब दादा क्यों नहीं आते हैं, इंडिया में क्यों रहते हैं हमेशा के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा स्केयर्ड है, बट ही इज़ मस्ट वेरी केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव बॉय। या एंड समर इंडिया जाने के लिए एक्साइटेड है। रियली इंडिया में क्या क्या करेंगे? ट्रैक्टर का रेस करवाएगा। और पहले से डील कर रहा है दादा से कि ट्रैक्टर की रेस करवाएंगे, ट्रैक्टर कैसे फार्मिंग करता है वो देखेंगे, और ट्रैक्टर में ट्रेलर लगा रहेगा उस पर बैठ के घूमेंगे। सो हियर इज द प्लान। ट्राली हाँ ट्राली हम लोग बोलते हैं, तुम लोग उसको ट्रेलर बोलते हो, दैट्स ऑल। ठीक है, मजा उतना ही होता है। अमेरिका में आके फैशनेबल हो जाता है, आओ हे राइड और ट्रैक्टर राइड, पैसा देके करते हैं। वहाँ पे ना हम लोग ट्रैक्टर में चलेंगे बारात करने, मामा की बारात में ट्रैक्टर में बैठ के चलेंगे। सो हम लोग का प्लान है इनका कि इंडिया में जाने के बाद कुछ ऐसे इवेंट करें इनके लिए कि इनको बहुत एक्साइटिंग लगे, तो हमेशा मन रहेगा इंडिया जाने का। मेरे पापा बहुत एक्साइटेड हैं समर समीर से मिलने के लिए, लाइक डेली आजकल फोन कर रहे हैं। ऐसे लग रहा दिन गिन रहा है कब आएंगे ये लोग। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे भाई का एक लड़का हुआ है, ऑलमोस्ट 9-10 मंथ का हो गया है, एकदम समर की तरह दिखता है, मुझे उससे मिलने का मन है। बोलो बेटा। बेटा ये गाइस वी आर द फैमिली, वी लव टुगेदर, वी ईट टुगेदर, वी क्राई टुगेदर एंड वी ग्राइंड ओट टुगेदर। ओह क्राई टुगेदर, ओके नो क्राई नॉट टुगेदर, ओनली लव टुगेदर and grind together. Yeah. And eat together. Yeah. Sleep together. Yeah. Yeah. No cry together. No. नहीं, family में cry भी करते हैं एक साथ। अकेले cry नहीं करते। हम लोग की कार में यही पड़ा रहता है। देखिए भाई फाल कलर, हम लोग देख देख के खूब खुश हुए हैं। अभी फाल कलर की पेंटिंग चल रही है। चलिए। हाँ हाँ। I've seen this. Oh, this is also pumpkin, right? Yeah. Mushroom, leaves. सारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है? जब तक मैं शॉपिंग करके आता हूँ सब क्लीन हो जाना चाहिए और सब सेट हो जाना चाहिए, सारा फार्मिंग का काम। ओके अरे क्या बात है, बहुत ही अच्छा मौसम है आज। नवंबर में जनरली इतना अच्छा टेम्परेचर होना बड़ा मुश्किल होता है, बट आज बहुत अच्छा मौसम है दो दिन घूमने लायक। ओ लीफ के ऊपर चला है, ओ सो नाइस। हम लोग इंडिया के लिए शॉपिंग शुरू कर दिए हैं, 2-3 हफ्ते हैं हम लोग को शॉपिंग करना है, तो आज अकेले शॉपिंग करने निकल दिया हूँ, और वो भी मैं ब्यूटी का आइटम लेने जा रहा हूँ। मेरी सिस्टर पार्लर चलाती है इंडिया में, तो उसको काफ़ी सामान हम हर बार यहाँ से ले जाते हैं, उसकी लिस्ट रहती है, तो इस बार भी भेजी है। तो जा रहे हैं अल्टा ब्यूटी। बताइए भाई जो लोग यहाँ से हैं जिनको ब्यूटी का बहुत नॉलेज है, कौन कौन सा फेमस स्टोर है जहाँ पे अच्छे डील में ब्यूटी का आइटम मिल जाता है? हम एक तो अल्टा ब्यूटी जाते हैं, टारगेट और वॉलमार्ट जाते हैं, उसके अलावा कुछ पता नहीं हम लोग को। बट उसका ब्यूटी का शॉपिंग करते करते मुझे थोड़ा नॉलेज हो गया है, प्राइमर और क्या बोलते हैं कंसीलर पाउडर कम्पैक्ट पाउडर किसके ऊपर क्या लगता है सब थोड़ा आइडिया आ गया है। कभी भी बोस्टन एरिया में आइए, संडे हो सैटरडे हो सब दिन जाम लगा रहता है, सब दिन। मैं हमेशा इसी स्टोर में आता हूँ क्योंकि यहाँ पे सारा ब्रांड मिल जाता है, तो हमारा एक ही ट्रिप में सारा काम हो जाता है। इस स्टोर में खुशबू बड़ी अच्छी अच्छी आ रही है, या तो इतना परफ्यूम फेंका गया है या सब लोग लगा के आए हैं, और मैं अकेले लड़का घूम रहा हूँ इसमें। काफ़ी सारा हो गया आई थिंक, इसके बाद अभी दूसरे स्टोर जाना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिली हैं।
जस्ट 200 थोड़ा सा। अरे बहुत महंगी बिजनेस है ये। अब चलना है टारगेट में। हम लोगों की लाइफ डिस्काउंट और डील के चक्कर में ना एकदम फंसी हुई है। लगता है यहाँ पे डील है, डिस्काउंट है, ले लो। ये देखिए अल्टा ब्यूटी स्टोर में सेम ये कंप्रेस्ड पाउडर है, $13 का दिया था और बोला था कि बाई वन गेट सेकेंड 50% ऑफ। सो उसका टोटल लिया मैंने और यहाँ पे $9.50 का है। तो वहाँ पे दो का जो प्राइस पड़ा यहाँ का दो प्राइस सेम है, बट डील के चक्कर में वहाँ पे मुझे दो लेना पड़ा। फिर से भी शॉपिंग हो गई, एक जगह से मिलता ही नहीं है सामान। वो कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट मंगाती है और बहुत ढेर सारा मंगाती है तो मिल ही नहीं पाता है। और सबकी शादी है तो सबके लिए भी एक एक सेट लेना मुश्किल हो जा रहा है। मुझे कम से कम 6-7 स्टोर दौड़ना पड़ता है तब जाके सारा ब्यूटी का सामान एक बार मिलता है। देखिए हमारी ब्यूटीफुल सेफ का लच्छा पराठा क्या मस्त आया है। देखिए एकदम सुपर आया है। कंचन बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाना चाहती है, खिलाना चाहती है, बट नहीं ये खाना चाहती है ना मैं खाना चाहता हूँ। तुम्हारा नहीं, तुम्हारा वीडियो बनाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बता रहा हूँ। हाँ तुम हट जाओ उधर से। पूरी शॉपिंग हो गई और शॉपिंग के बाद भैया ये आइडिया लगा कि लोग इंडिया जाते हैं तो भाड़े का खर्चा बहुत आता है, उतना ही खर्चा शॉपिंग का आता है। और फिर इंडिया चले जाओ तो इंडिया वाले सोचते हैं कि ये तो अमेरिका से है, पैसा छापने वाले हैं, इन्हीं से खर्चा भी करवाते हैं। तो इसी से लगता है ना कि यहाँ पर आने वाले इंडियन इसलिए 3-4 साल इंडिया जाते हैं। जिसके दो बच्चे हो गए और दो एडल्ट हो गए वो उसकी हालत ऐसे ही हो जाती है कि भाई वो कितना जाएगा। हमारे घर वाले भैया तो हम चले जाते हैं तो गाड़ी भी हमी से बनवाते हैं, कोई भी घर का काम हो हमी से करवाते हैं। आज की पार्टी की स्टार गीत एंड देवांशी। जिस दिन अपने भाई की वाइफ से बात कर लेता हूँ नाम का इधर उधर कंफ्यूजन हो जाता है। लड़के लोग तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। सो ये पार्टी दिवाली पे होने वाली थी, किसी को कोविड हो गया, कोई बीमार पड़ गया, पोस्टपोन होते होते 2-3 हफ्ते हो गए। हाँ बोलिए। रोहित अंकल ट्रैफिक में आ गए। समीर अंकल, तुम्हारा नाम क्या है? समीर। ये हमारा उड़ीसा कटक फेमस दही बड़ा आलू दम है। और दही बड़ा आलू दम, आलू दम है। इसके ऊपर सेव वगैरह डाल के बनाया है। तो अभी मंचूरियन रेडी हो रहा है शैली के द्वारा। कैरेट, कैबेज एंड स्प्रिंग ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन। यस। और ये बाल में क्या क्या पड़ा है? ये बॉल्स है, ये भी कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट इससे बना है। इसमें थोड़ा सा, हाँ ये फ्राई करके लिया है। और ये ग्रेवी है, इसमें थोड़ा सा सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च। इससे चाउमीन लेके आया है, छोला और कुलचा। और ये घर पे बना है, अनबिलीवेबल, देख के इतना अच्छा लग रहा है। आरती क्या लाई है उसके बारे में बताने जा रही है। ये क्या है? रसमलाई केक। और ये रबड़ी है। तो बेसिकली पहले आप बनाते हो केक के लिए आटा और गुड़ में बिल्कुल आप उसको घाटते हो, आई डोंट नो क्या दूसरा वर्ड है उसको बोलना। देन यू ऐड कार्डमम पाउडर, दालचीनी, थोड़ा सा, बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके, दूध और बिल्कुल थोड़ा सा घी, बिल्कुल थोड़ा सा घी, बिकॉज यू कैन नॉट ऐड ऑयल, अदरवाइज ये पानी उसमें मतलब दूध में डालते हो ना तो ये दूध है, बिल्कुल दूध, पूरा रबड़ी है। हाँ रबड़ी, कंसंट्रेटेड, और उसमें डाला और एक स्लैब ऑफ रबड़ी में तो केक को डिप किया जाता है। और जैसे कल मैं रात में उसको बनाया तो वो बिल्कुल रबड़ी अंदर इन्फ्यूज हो गया पूरा उसके। ओ एक्स्ट्रा रबड़ी क्यों? ताकि और आप बेट करके खाओ। ओ तो उस और ओ माय गॉड, तो रबड़ी केक है। हाँ रबड़ी केक है। मतलब मैं गलती से विप क्रीम लाना भूल गई, बट वो विप क्रीम के साथ होता है, ऑयल नहीं लगता। देयर इज नो ऑयल इन दिस बिकॉज़ यू हैव टू ऐड इट विद मिल्क। तो अगर आप ऑयल डाल दोगे ना तो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। आई एम अंदर तक अगर इन्फ्यूज रबड़ी केक गेम शुरू।
तोड़ना भूख लगी है मैगी खा लो कंचन गेस करो इसका पति वीडियो बना रहा है अब पता नहीं भोजपुरी से या उड़ीसा से उड़ा के दे दिया होगा हाँ चलो कितने कितने वर्ड्स दो वर्ड्स जाओ
आपने पार्टी एंजॉय किया? यस। अरे बोलो जोर से, एंजॉय किया? 11 बजने वाला है, अभी सब लोग खेल रहे हैं, सारे बच्चे है कि? ये भी देखो, हाँ। ये भी बच्चा 9 बजे सो जाता है, 8:30-9 बजे आज, ओह माय गॉड, आज 11 बज गए फिर भी उसको सोना नहीं है। इधर थैंक यू सो मच सब लोग के लिए, थैंक यू ऐसे इनवाइट कर ली, अगली बार साफ करके आ जाओ। ऑलवेज ऑलवेज नहीं, साफ करने की जरूरत नहीं है, नहीं, खाना लोग लेके आ जा रहे हो, यही बहुत चीज सही है। आप लोग काफी दिन बाद पार्टी हुई, काफी मजा आया, वैरायटी ऑफ फूड आई एंड बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, सब लोगों ने एंजॉय किया एंड या अच्छे से पार्टी हुई, बहुत खाना खाए एंड क्या, अब टाइम टू स्लीप। या सब लोग एक दूसरे का खाना भी शेयर किए, एक्सचेंज भी किए, लेके भी गए, हमारा घर भी साफ थोड़ा करा दिए, इससे अच्छा क्या चाहिए। या ऐसी पार्टी हमेशा ऑर्गेनाइज हो जाए। या एंड थैंक यू सो मच आप लोग के लिए भी, बाय बाय, सी यू लेटर, हैव पार्टी, एंजॉय द लाइफ। Enjoy your party. Yes, enjoy your party. Life me rakha kya? Yeah, because you have still party. Yes. Enjoy Bharti party. Yes.